अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे टमाटर और प्याज की चटनी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, इसको बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी, और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए आपको दिखाते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए, हमें प्याज और टमाटर बिल्कुल बराबर लेने हैं। हमने आधा किलो के करीब प्याज ली है और इतने ही हमने टमाटर लिए हैं। इसमें से एक बड़ा टमाटर हमने ये बारीक बारीक कट कर लिया है, ये हम पीस लेंगे जो हमने रफली चॉप कर रखे हैं। इसमें एक से डेढ़ चम्मच, एक चम्मच से ज़्यादा हमारा ये नमक है, और ये हमने लहसुन की एक बड़ी बॉल ले ली है। ये देखिए हमारे पास ये है, ये ली है हमने, निकाल लिया इसके ये जब, और इसमें हम मिर्चे डालेंगे। ये देखिए हमारी मिर्चे, एक से डेढ़ चम्मच हम मिर्चे डालेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हम अपना लहसुन मिक्सी में डाल देंगे और ये मिर्चे डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और ये टमाटर डाल देंगे। ये हम इसको पीस लेंगे, टमाटर, मिर्च और लहसुन। हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम कर रखा है और ये प्याज डाल देंगे इसमें। हमने इसमें कोई जीरा या कोई तड़का नहीं डाला है, क्योंकि ये बगैर तड़के के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल को टिफिन में भी लेकर जाते हैं इसे। आइए इतने हम जितनी प्याज हमारी तली जाएंगे, इतने हम अपनी चटनी को पीस लेंगे टमाटर को। ये देखिए हमारी चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी प्याज भी तली जा रही है। हमें इन्हें हल्का हल्का ब्राउन करना है। उससे पहले इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, और हमने जो छोटे छोटे टमाटर कट किए हैं वो भी इसमें डालेंगे, लेकिन पहले हम इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज बिल्कुल सही हो चुकी है। हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, पूरा पूरा ब्राउन नहीं करना है, ऐसा ही करना है। ये देखिए लाइट ब्राउन करा है हमने, इसकी जो ये चोंच है ये हमने गोल्डन कर ली है, और ये देखिए बीच से सफ़ेद सफ़ेद छोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें हम अपनी चटनी डाल देंगे। बहुत अच्छी चटनी बनती है जब बीच बीच में ये थोड़े बिना कटे टमाटर आते हैं, और बाकी हमने पीस लिए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हमारा मिक्सी में लगा हुआ है, इसमें से ये पानी भी डाल देंगे। और इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। जब इस पे तेल ऊपर आ जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। इसमें थोड़े टमाटर हमने थोड़े से डाले हैं काट के, इससे हमारी चटनी में टमाटर आएंगे थोड़े थोड़े, तो बहुत अच्छे लगेंगे और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम पकने देंगे। देखिए हमारी चटनी बन रही है, हमने हाई फ्लेम पे इसको बना रहे हैं, ये देखिए हमारी चटनी बन रही है। अब इसमें छींटे आ रही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसे ढक देंगे जिससे हमारी छींटे कम आए। थोड़ा उघाड़ के रखेंगे थोड़ा सा, और इसको गैस को थोड़ा सा कम करेंगे, मीडियम कर लेंगे अब इसको। बस, और इसे थोड़ा ढक के रखेंगे, थोड़ा सा उघाड़ भी देंगे यहाँ से, देखिए ऐसे, और छोड़ देंगे इसे, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमने इसको 5 मिनट पहले, जब इसका पानी ख़त्म हो तो बिल्कुल लो फ्लेम में छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखिए अब बिल्कुल बन चुकी है, आइए आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन
खाने में बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसे ट्राई कर जरूर करें। आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार यही चटनी बनाकर खाएंगे।